नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो इस दशक का पहला बजट सामने आ गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं और जवाब सरकार देने की कोशिश में है। बजट में टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं है। 75 पार के पेंशनधारियों को राहत कोई भरना, रिटर्न भरना नहीं होगा। सस्ते मकान और स्टार्टअप लोन पर टैक्स में एक और साल की छूट है, लेकिन वेतन से कटने वाले जो पीएफ होता है उस पर मिलने वाले ब्याज की रकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसको, उस पर अब आपको टैक्स देना होगा। और ये है में कि कोरोना महामारी के दौर में स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती दी गई है। बहुत पुरानी मांग थी कि स्वास्थ्य सेवाओं में हम बहुत पीछे हैं, तो इस बजट में 94,000 करोड़ से बढ़कर अब ये राशि 2,23,000 करोड़ कर दी गई है। उधर बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में सड़क निर्माण पर जोर शोर से विपक्ष का आरोप है कि जो निर्माण का काम है वो चुनावी नजर के कदम उठाया गया। तो दूसरी तरफ हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो आज किसान आंदोलन की है, जो जारी है। आज बिजनौर गाजीपुर में महापंचायत हुई है, महापंचायत के दृश्य हैं जिससे बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। तो किसान यहाँ पर अपनी मांगों पर अटे हुए हैं। उधर गाजीपुर में बड़ा पुलिस बंदोबस्त भी देखने को मिला है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला पुलिस भी यहाँ पर देखी जा सकती है। और शाहदरा ज़िले में तो जो सुरक्षा बल हैं उनकी तैयारियाँ कुछ अलग हैं। ये आप स्टील की लाठियाँ देख रहे हैं जो उनके हाथ में हैं, ये लाठियाँ शाहदरा ज़िले में तैयार की गई। करीब 50 ऐसी लाठियाँ हैं। तो जो 26 जनवरी की हिंसा थी उसके बाद यहाँ की जो पुलिस है उसने स्टील की लाठियाँ बनवा ली हैं। और आपको बता दें, आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वित्त मंत्री, उनको सुन लेते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों का मुद्दा का जो है वो छाया रहा है आजकल, हमने देखा है। और इस बजट में सरकार ने कहा है कि किसानों को समर्थन में कई कदम उठाए गए हैं। गेहूं किसानों के लिए 75,000 करोड़, धान किसानों के लिए 1,72,000 करोड़, दलहन खरीद पर भी 10,500 करोड़, साथ ही कृषि कर्ज जो लक्ष्य है इस साल 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। लेकिन फिर ये भी सामने आया है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है, किसानों को जो 6,000 रुपये देती थी उस जो प्रतिशत है उस पर आवंटित जो राशि थी उस पर 13% की कटौती गई है। 75,000 करोड़ से अब 65,000 करोड़ कर दी गई है। उधर कृषि और उससे जुड़ी जो गतिविधियां होती हैं उसके लिए आवंटित राशि में 6% की कटौती की गई है। ये 1,54,775 करोड़ से अब 1,48,301 करोड़ कर दी गई है। बहरहाल आज क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, थोड़ा सा सुन लेते हैं। बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, हम सब समझ रहे हैं। अगर किसी किसान के मन में प्रश्न है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके साथ बैठ करके बात करने में कभी भी संकोच नहीं किया। कितने भी राउंड क्यों ना हो बैठते हैं और बार बार ये भी बोलते हैं कि ये तीनों कानून से अब क्लॉस बाय क्लॉस कंडवार चर्चा करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैं मानती हूं अभी भी कि चर्चा ही रास्ता है। चर्चा करने के लिए सरकार ओपन है और कल परसों पार्लियामेंट के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री जी वो जो ऑफर है उसको टेबल पर अभी भी है करके माना। इसीलिए मैं मानती हूं किसान जिनको भी मन में कुछ प्रश्न है, संकोच है और डाउट्स है वो जरूर बात करने के लिए आगे आए, सरकार से बात करें। और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब सरकार ये कह रही है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है आज कि जो ये बजट है इसमें दिल में गांव और किसान है, और आपने वित्त मंत्री को भी कहते हुए सुना कि जो किसानों से आगे की राह चर्चा की भी है। देखिए, सवाल ये है कि अगर सरकार की नीति इतनी ही पाक साफ है तो किसान उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जिनके लिए कानून बना रहे हैं, जिनकी भलाई के लिए कानून आपने बनाया है, वो तो कह रहे हैं हमको ये कानून चाहिए ही नहीं। और आज जो वित्त मंत्री ने सब आंकड़े दिए हैं कि हमने गेहूं के ऊपर गेहूं की सरकारी खरीद करने पे इतना पैसा खर्च किया, आपके चावल की सरकारी खरीद करने के ऊपर इतना खर्च किया, तो वास्तविकता यह है कि 2013-14 से लेकर 2020-21 तक इस देश में जो पैदावार है वो बढ़ी है। और उसमें अगर केंद्र सरकार की ज्यादा लागत आई है तो उसमें वित्त मंत्री को उस चीज का क्रेडिट नहीं देना चाहिए।
देखिए बुनियादी बात इस बजट में ये है कि ये बजट जो 18 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा है उसको पूरा करने के लिए जितना सार्वजनिक क्षेत्र है, जितने पब्लिक एसेट्स हैं, जो पिछले 75 साल में लोगों के पैसे से और लोगों की मेहनत से बने हैं, उनको सरकार पूरी तरह से बेचना चाहती है। और ना ही सरकार के पास कोई ऐसी नीति है कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से वापस उस 8 से लेकर 9% के वृद्धि दर पर लाया जा सके, जो वृद्धि दर 10 वर्ष यूपीए की सरकार ने दिया है। मनीष जी, सरकार ने आज ये कहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना उसके लिए हमने पैसा दिया है, सड़क निर्माण के लिए इतना किया है, वो अपने आप में उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब रियल एस्टेट जिसमें हमारे देश की 15% आबादी लगी हुई है, उससे उसमें रोजगार बढ़ेगा। अगर आप वित्त मंत्री जी की पिछले वर्ष की के भाषण को संज्ञान में लें तो पिछले वर्ष भी उन्होंने यही कहा था। तो इसलिए सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक तरफ तो ये बड़े बड़ी घोषणाएं करते हैं पर उन घोषणाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसीलिए पिछले 6.5 वर्ष में ये चौथा वर्ष है, 37वां महीना है कि जीडीपी की का जो वृद्धि दर है वो निरंतर और लगातार गिरता जा रहा है। तो कोविड-19 तो पिछले मार्च में आया था, 23 मार्च 2020 को जिस दिन बजट पारित हुआ था उस दिन लॉकडाउन लगा था, पर जो जीडीपी का वृद्धि दर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो तो उससे 24 महीने पहले से गिर रही थी। तो कुल मिलाकर इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। और एक ही चीज इस बजट में सामने आई है, क्योंकि इस बजट के जो मुख्य अंश हैं वो पैरा 47, पैरा 84 और पैरा 79 है, और वो तीनों एक ही चीज के ऊपर केंद्रित है कि किस तरह से हम पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचकर अपना वित्तीय घाटा पूरा कर सके। इसके अलावा इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये एहसास हो कि सरकार के पास भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई नीति है। बिल्कुल मनीष जी, अब कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लग रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो रोजगार, जो ये सड़क निर्माण की बात की है, नेशनल हाईवेज की मांग की है, वो उन 4 राज्यों में ही की है जहां पर चुनाव आने वाले हैं। अब जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत बादल, उन्होंने तो कहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया को इग्नोर किया गया है क्योंकि यहां पे कोई चुनाव नहीं है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, जब वित्त मंत्री अपना बजट का भाषण पढ़ रही थी तो जिस क्रम में उन्होंने पढ़ा, तमिलनाडु, केरला, उसके बाद असम, तो ये तो साफ जाहिर है कि उनका निशाना सिर्फ चुनाव के ऊपर था। और किसी तरह की एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कहते हैं मुल्क की, उस होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ कोई कदम नहीं था। अब जैसे आप चिकित्सा क्षेत्र की बात कीजिए, उन्होंने कहा है कि 64,180 करोड़ रुपया अगले 6 वर्ष में खर्च होगा भारत की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए। अब अगर आप अनुमान लगाएं तो भारत की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जिले के अस्पताल हैं, इन सब का मूलभूत ढांचा मजबूत करने के लिए लगभग 6 लाख करोड़ के रुपए की जरूरत है। तो आप 6 लाख करोड़ रुपए की जगह अगर 10,000 करोड़ रुपए हर साल देंगे तो वो तो ऊंट के मुंह में तिनके के बराबर है। लेकिन मनीष जी, एक स्वास्थ्य एक ऐसा केंद्र है बिंदु जिसपे करीब 137% की ज्यादा वृद्धि देखी गई है आवंटित राशि में। देखिए ऐसा है कि उसका जो कोर है, वो कोर तो है कि आप प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं, और प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जितने की लागत है, जितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, उन रिसोर्सेज का आपने मेरे ख्याल 1/10 भी नहीं दिया है। वो बाकी पैसा है वो तो कोविड-19 की वैक्सीनेशन और बाकी सब कार्यक्रमों के लिए है, बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर
जिसको आप मजबूत करना चाहते हैं, 10,000 करोड़ रुपया साल से तो मजबूत नहीं होने वाला है। बिल्कुल, अंत में मैं आपसे मनीष जी सिर्फ ये एक सवाल कि जो ये कहा जा रहा था कि सबके हाथ में पैसा आना चाहिए, हालांकि मिडिल क्लास को तो पीएफ का भी इंटरेस्ट पे भी टैक्स लग गया है, लेकिन क्या आज जो प्रयास किए गए वो आपको नाकाफी लग रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बजट का एक ही उद्देश्य है कि वो जो 18,48,000 करोड़ रुपए का घाटा है उसको कैसे पूरा किया जाए। और क्योंकि इस वर्ष का जो खर्चा है वो सरकार ने मार्केट से पैसा उठा के चलाया है, और जब सरकार मार्केट से पैसा उठाती है तो जो निजी क्षेत्र है उसकी जो क्षमता है डेट उठाने की या ऋण लेने की वो उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में पैसा तो सिर्फ उतना सा है। इस वर्ष क्योंकि आर्थिक एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही थी तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। तो अगले वर्ष में सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरह डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए, और उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक ही रणनीति अपनाई है कि जो बिक सकता है उसको बेच दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मनीष तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हम विपक्ष का रुख देख रहे हैं, लेकिन किसान क्या कह रहे हैं? सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं, उन्होंने कुछ किसानों से बात की, क्योंकि बजट में भी उनका बार बार जिक्र भी हुआ है, आइए सुन लेते हैं। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में हैं, सरकार ने बजट पेश कर दिया है, किसान बजट से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। जहां पर आपको पंजाब से आए किसान ज्यादा नजर आते थे, अब यहां पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तीनों के किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ कुछ लोग हैं जो सिंघू बॉर्डर पर बड़ौद बागपत से पहुंचे हैं। आप कहाँ से हैं? गांव लुहारी जी, तहसील बड़ौद, जिला बागपत। तो यहाँ पर आए सिंघू बॉर्डर पर? हाँ, किसानों के हक में। किसानों के हक में आए? हाँ जी। और कब तक रहेंगे? बहुत काफी दिन तक, जब तक धरना रहेगा जब तक रहेंगे। क्या भावना हुई कि आप लोग आ गए यहाँ पर बड़ौद से? भावना ये हुई, किसानों के लिए बहुत गलत हो रहा काम, किसानों के लिए बहुत गलत काम हो रहा, किसान मरिया पड़िया बच पाओगा इस हालत में किसान? अच्छा, आज बजट से सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी कर दी, किसानों को एमएसपी मिल रही है। तो एक गुणी भी घट रही, जिला बागपत की तो एक गुणी भी घट रही, दुगुनी तो कौन कर देगा? अच्छा, एक गुणी भी नहीं रही, एक गुणी भी नहीं रही। लेकिन साल तो वही करने का भाव है। जो राकेश टिकैत जी का उस दिन जो कहा जाता है कि जो राकेश टिकैत जी भावुक हो गए, उसने बड़ा रोष पैदा किया है वहाँ। फुल फुल हम थे गाड़ी लेकर जा लिए थे। आप देखिए, ये यूपी के आए हुए किसान है जो की सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं, और ये पंजाब, आप कहाँ से आए हैं? अमृतसर जिले से आए हैं। तो देखा था बीच में यहाँ पर लोग कम हो गए थे, लेकिन वापस लोग आने लग गए सिंघू बॉर्डर पर। ठीक है, वो तो कभी कभी होता ही ऐसा, इतनी बड़ी संख्या में घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं। अभी देखो कितने लोग आए हैं, कितनी जनता बढ़ी है, किसे हमारे साथ सारा सारा हिंदुस्तान और वर्ल्ड के लोग हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ तो लगातार लोग जो है पीछे आते जा रहे हैं, हरियाणा से बहुत लोग, हरियाणा से चल के आ रहे हैं, हरियाणा से औरतें भी आ रही हैं, बहुत बच्चे भी आ रहे हैं। तुमने देखा ट्रालियों पर लदे हुए, तुम देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, ये ट्रालियों पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? पंजाब से, जिला संगरूर, तहसील भवानीगढ़। तो वापस आए हैं आप? नहीं नहीं, हम तो इतनी होते थे डटे हुए। अच्छा, आप नहीं गए थे वापस? नहीं, जाएंगे नहीं। तिन्ने बिल कैंसिल करा के जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे हम? जिस दिन लाल किले पे जो हुआ उस दिन नटनी बंद किया इन्होंने, ताकि लोग भड़के और जहां सिखों के खिलाफ दंगे भड़काए जा सके। देखेंगे, लगा जबरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ है सिंघू बॉर्डर के शुरुआती जो है, जहां से ये पूरा आंदोलन शुरू होता है वहां पर खड़े हैं, और जबरदस्त जाम है। समझिए कि शायद राकेश टिकैत के रो देने से सिर्फ गाजीपुर नहीं, सिंघू बॉर्डर पर भी वापस से जान फूंक दी गई है। जो लोग चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं, और इंटरनेट ना होने से लोगों को तकलीफें तो है ही हैं। बजट के बाद भी किसान जो है खुश नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना है कि उनको गन्ने की पेमेंट्स नहीं हुई हैं। तो फिलहाल सिंघू बॉर्डर पे वापस से एक बार रौनक लौट रही है, किसान लौट रहे हैं, और इस बार किसान शायद हरियाणा के ज़्यादा पहुंच गए हैं पंजाब के मुकाबले। सहयोगी सुधीश राम और अक्षय डोंगरे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे और वहां पर किस तरह से लिया जा रहा है बजट, बताएंगे।
तो इंडिया के बजट में सीईओ नीति आयोग के अमिताभ कांत हमारे साथ मौजूद हैं। कांत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, इस समय की सबसे बड़ी मांग ये थी कि रोजगार बढ़े, और सरकार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना निवेश कर रहे हैं कि इससे रोजगार बढ़ेगा, रियल एस्टेट बेटर होगा, लेकिन फिर विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि ये उन चार राज्यों में ही केंद्रित है जहां पे चुनाव हो रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे देश में बनेगा। आपका पूरा फोकस जो है इस बजट का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पे है, और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आए, और एसेट मोनेटाइजेशन जो है वो सारे सेक्टर्स को कवर करता है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, आपका वेयर हाउसेज हो, गैस पाइपलाइन हो, और पावर ग्रिड्स हो, और स्टेडियम्स हो, सब सारे सेक्टर्स को कवर करता है। तो ये किसी चार स्टेट्स को नहीं बल्कि पूरे देश को कवर करता है। बिल्कुल सर, और जब देश बड़ा होगा, देश की ग्रोथ होगी, तो तब नई जॉब्स बनेंगी। बिल्कुल, तब नई जॉब्स बनेंगे। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस के गौरव गोगोई हैं, उन्होंने कहा है कि ट्वीट कर दिया है कि मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर छोड़ दिया है, देश को सॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की ओर धकेल रहे हैं। और मनप्रीत बादल जो हैं पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि नॉर्थ इंडिया को इग्नोर किया गया, नो पोल्स। सर, जो डिसइन्वेस्टमेंट की राह ली गई LIC में खासतौर से, उसको लेकर विपक्ष तीखे प्रहार कर रहा है, कैसे समझाएंगे इसे? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट तो पहले कई सरकारों ने किया है, लगातार किया है, ये तो कई सरकारों की फिलॉसफी रही है, और ये तो ओवरऑल कंसेंसस थ्रू आउट रहा है कि गवर्नमेंट में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, और गवर्नमेंट कई चीजें कर सकता है, कई चीजें ऑपरेशन और मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाता, आपको भी मालूम है। और अगर देश को आगे ले जाना है तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ानी जरूरी है। तो यही है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर्स 3-4 रहे, बाकी एरियाज में गवर्नमेंट को निकलना जरूरी है, ज्यादा एफिशिएंसी देश में बढ़े, और ये फिलॉसफी थ्रू आउट रही है। ये डिसइन्वेस्टमेंट तो करीब 15-20 साल से चल रहा है इस देश में, कोई नई चीज तो है नहीं। जी बिल्कुल सर, किसान एक बहुत अहम मुद्दा रहे हैं, और आज के बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए जो धान है, गेहूं है, उसके लिए आवंटित राशि के लिए बात कही, और उन्होंने बाद में भी कहा कि भाई चर्चा है जो रास्ता आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक दो पहलू उसमें हैं, जो कृषि कानूनों से जुड़े आवंटित राशि है उस पर 6% की कटौती की गई, प्रधानमंत्री किसान योजना है जो 6,000 रुपये सालाना देती है किसानों को, उस पर भी 13% की कटौती की गई, तो कैसे समझें इसे? नहीं, ये अमाउंट्स की तो कोई कमी नहीं होगी इन स्कीमों में, मैं आपको बता सकता हूं। और इस बजट में देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस है। एक्चुअली किसी क्षेत्र पर फोकस है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे है और फार्मर्स पे है, और फार्मर्स पर ना केवल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई है जिसमें 50,000 करोड़ की बात हुई है, ना केवल एनिमल हस्बेंड्री, ना केवल फिशरीज, ना केवल न्यूट्री सीरियल्स, और सारी चीजों पर एग्रीकल्चर पर ही फोकस रहा है। बिल्कुल सर, एक जो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि जो डिफेंस बजट है उस पे उसका जिक्र तक नहीं हुआ, चीन के साथ हम जानते हैं चिंताएं बनी हुई हैं, क्या कारण आप देख रहे हैं? नहीं, डिफेंस बजट का आउटले बढ़ा है, और डिफेंस बजट में हर चीजें ओपनली बोलनी जरूरी नहीं होती हैं, और हर समय हर क्षेत्र को नहीं मेंशन किया जाता है कभी बजट में। ये बजट आप ओवरऑल देखिए कि वेदर इट इज अ मल्टी डायमेंशनल बजट और नॉट, वेदर इट इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट और नॉट, वेदर इट इज अ प्रोग्रेसिव बजट और नॉट, बट आप इंडिविजुअल क्षेत्र को देखिएगा तो कल आप कहिएगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर नहीं कवर्ड है, कोई कहेगा ट्रैवल एजेंट्स नहीं कवर्ड है, तो ये एक इंडिविजुअल क्षेत्र को देख के तो हम नहीं जा सकते। जी सर, जो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। बिल्कुल, आपने कहा कि सब डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, उसके लिए इंक्रीज एलोकेशन किया गया। ठीक है सर। सर, जो मिडिल क्लास है बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है और अपना वो टैक्स भी दे देता है, लेकिन इस बार ये सामने आया है जो PF होता है वो उसके बुढ़ापे का एक भरोसा होता है। अब उसमें ये आ गया है कि अगर 2.5 लाख से ऊपर ज्यादा ब्याज है आपका तो उस पर टैक्स लग जाएगा, तो कैसे समझाएंगे आप इस नौकरी पेशा हम लोगों को?
नहीं, ये मैं डिटेल में फाइन प्रिंट तो मैंने नहीं देखा है, पर आप देखिए तो कई चीजें मिडिल क्लासेस के लिए कई की गई हैं, कई चीजें सीनियर सिटीजन्स के लिए की गई हैं। ये प्रोविडेंट फंड वाला जो इश्यू है, मैं डिटेल में पढ़ के आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी ओवरऑल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये जो बजट है इसमें दिल में किसान और देश है और साथ ही जान है जहान है, क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहली बार 137% राशि आवंटित ज्यादा की गई है, बहुत स्वागत योग्य है। हमारे देश में स्वास्थ्य को बहुत नजरअंदाज किया गया और कोरोना के चलते ये हुआ, ये बहुत स्वागत योग्य है। तो आप इसे कितना फायदा, जो पूरा ये बजट है अगर मैं कहूं सार, किस तरह से आपको यकीन है कि इससे वाकई देशवासियों को फायदा होगा? देखिए, ये बड़ा बोल्ड और प्रोग्रेसिव बजट है और करेजियस बजट है, क्योंकि ये आपको 6.8 जो फिस्कल डेफिसिट देता है वो रिसोर्सेस बोरो करके एमएसएमईज के लिए यूज करेगा, और एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। अगर हम फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाते तो हमारे एमएसएमईज को बहुत हानि होती। तो इसलिए यह बजट बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, और यह ना केवल आपको प्री कोविड स्टेज की रिकवरी पर मार्गदर्शन देता है, बल्कि आगे चल के एक सस्टेन्ड ग्रोथ देश में कैसे हो, 8-9% की ग्रोथ कैसे ले जाएं हम आगे चल के, वो मार्गदर्शन पूरा देता है ये बजट। बिल्कुल अमिताभ कांत, आपने बात की एनडीटीवी इंडिया से, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। और देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मुंबई ले चलेंगे और जानेंगे कि वहां के लोगों ने किस तरह से, और मध्य प्रदेश भी लेके चलेंगे कि वहां के लोगों ने बजट को कैसे लिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। यहाँ पर तमाम वर्गों से बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने, ये बातचीत सुनाते हैं आपको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो बजट का ऐलान किया है, उसे जो सैलरी पीपल हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो किस तरह से देखता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसके लिए ज़्यादा ऐलान नहीं किया गया है। लोग सोच रहे थे कि शायद उनके जो इनकम है उसमें कुछ छूट मिले, जो टैक्सेस है उसमें कुछ कटौती हो। हालांकि टैक्सेस बढ़े भी नहीं हैं लेकिन कम भी नहीं हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से ये जानने की कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर जब ये कोविड के बाद ये बजट आया है। मैम, आपका नाम बता दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं। श्योर, डॉक्टर शिल्पा देसाई, सीपोर इंटीग्रेटेड से बात कर सकते हो। और मैं ये देखती हूँ कि कभी भी देश के लिए तो सब अच्छा ही सोचते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी की ओर देख रहे हैं, सीतारमन जी भी उसी की ओर देख रहे हैं। बट जब हम बजट को जब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, बात करने के लिए सब कुछ सही लगता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है? तो 65,000 करोड़ जब भी उन्होंने हेल्थ केयर के लिए सेक्टर के लिए डाला है, या उन्होंने बोला है अब न्यूट्रिशन के साथ सप्लीमेंट भी दिया जाएगा, तो उसका क्या स्पेसिफिकेशन है? क्या वो वापस फार्मा इंडस्ट्री को डायरेक्ट कर रहे हैं, या वो आयुष को डायरेक्ट कर रहे हैं, या वो नॉर्मल एक्चुअली सप्लीमेंट्स देने की बात कर रहे हैं? तो उसका स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए। हेल्थ केयर में वुमेन और बच्चों का तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट वो बच्चों को क्या दे रहे हैं? क्या बच्चों के लिए एक स्पेशल सिस्टम निकल रहा है जो स्कूल में इंप्लीमेंट होगा? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ? एब्सोल्युटली, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोविड के बाद हमारे यूथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा यूथ ही है जो हमारी धरोहर है, जो हमारा फ्यूचर बनाएगा। तो यूथ वेलनेस प्रोग्राम कहाँ है आपके लिए ये बजट? आप क्या सोच रहे थे इस बजट से, और इस बजट को आप किस तरह से देखें? सर, मेरा नाम शलाका मासावकर है और मैं उद्योजिका है, मतलब स्मॉल एंटरप्रेनर की। मैं वही सोच रही हूँ कि छोटे छोटे, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल है या हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को टैक्स वगैरह जो भरना पड़ता है तो वो थोड़ा मतलब बहुत भारी होता है हमारे लिए, कि मतलब जितना हम लोग कमाते नहीं उतना हम लोग को वो देना रहता है। तो वो थोड़ा सोचने की बात है कि थोड़ा मतलब करना जरूरी था कि उसमें करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नहीं हो रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा है। और जैसे अपने घरेलू जो सिलेंडर है तो उसका भाव तो बढ़ते ही जा रहा है, तो बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है।
सबके लिए, और लॉकडाउन या कोविड के जो चल रहा था तो वो ज़्यादा ही मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। मैम आपकी क्या उम्मीदें थी और आप इस बजट को किस तरह से देखें? मेरा नाम शिफा शेख है और मेरा एक मैं छोटी एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा वैदिक लश करके एक स्किन केयर ब्रांड है। तो लाइक जैसा गवर्नमेंट ने ना बजट में कुछ इंक्रीमेंट किया है ना, मतलब लेकिन ये जो कोविड के क्राइसिस के वजह से जो हम लोगों को एक्स्ट्रा मतलब पे करना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल कभी हमारा रॉ मटेरियल आता है तो वो हमारा कोरोना सेफ्टी के वजह से है ना वो लोग एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रहे हैं हमको। तो इट बिकम्स एक्चुअली क्या होता है कि मतलब ऑलरेडी लोग इतना फेस कर रहे हैं, उनके पास वो मतलब इतना बजट नहीं रहता है कुछ एक्स्ट्रा खरीदने का, प्लस आप हमारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतने बढ़ रहे हैं कोरोना की सेफ्टी के वजह से, लाइक हमको भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर लेनी पड़ती है, तो उसमें एक्स्ट्रा हमारा पैसा मतलब स्पेंड होता है। तो उस वजह से लाइक अगर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब हम स्मॉल एंटरप्रेनर को कुछ सब्सिडी या कुछ एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट मिलता तो हमारा भी मतलब ग्रोथ के लिए कुछ मतलब बढ़िया। आपकी क्या उम्मीद थी? हाँ सर, एक्चुअली उम्मीद तो मतलब बहुत है, बजट बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सारे इम्प्लीमेंटेशन होते होते हमें जब तक मिलेगा ना तब तक नेक्स्ट बजट आएगा ऐसा लग रहा है। बेसिकली मैं वुमन एंटरप्रेनर के लिए काम करती हूँ और मैं देख रही हूँ ना कि मेरे जितने भी माइक्रो एंटरप्रेनर जो है वो GST अब तक मतलब उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन बहुत सारे इशू उनको फेस करने पड़े। अगर वो लोग GST अप्लाई करते हैं तो एक तरफ से GST उनको लेना है और दूसरी जगह पे GST उनको पे करना है, लेकिन इसके बीच में ना जो CA के पास जाना, ऑडिट करना, उसके लिए अननेसेसरी उनका जो एक्स्ट्रा पे हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है ना, तो वो सोच रहे कि यार इससे अच्छा है ना कि हम लोग बिजनेस में ना ही पड़े। तो उस तरह से मतलब हम लोग इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेकिन वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात की गई थी, आप कह रहे हैं कि वो अभी तक हुआ नहीं? नहीं हुआ है। मेरा नाम साइली भोसले है, मैं एज अ डाइटिशियन वर्क करती हूँ। सो जैसे देखा जाए एज अ डाइटिशियन द मेन पार्ट इज फूड, बट अभी जैसे कि एक्सपेंसेस पोस्ट कोविड सभी बहुत बढ़ गए, सो इनडायरेक्टली वैसे देखा जाए तो लोग जितना ख्याल रखना चाहिए हेल्थ का उतना भी नहीं रख पा रहे बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस एंड जो भी हाई हो रहा है। एंड दोज आर इंडिविजुअली प्रैक्टिसिंग एज अ डाइटिशियन बोलो या डेंटिस्ट बोलो, तो वी हैव टू पे रेंट्स ऑफ आवर क्लिनिक्स एंड एवरीथिंग, सो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स जो है हम लोग अभी पोस्ट कोविड जो है फेस कर रहे हैं। तो आपकी उम्मीदें जो थी उस हिसाब से ये बजट है या नहीं? एक्चुअली वैसे देखा जाए जैसे मैम ने बोला कि है, बट अभी तक इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं आया है उसका एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे सर आपकी क्या उम्मीदें थी इस बजट से और क्या हुआ इस बजट? मेरा नाम शशिकांत है और मैं सामान्य एम्प्लॉयज हूँ। हमारी बजट से मतलब जो बजट है उसमें कुछ सुधार तो नहीं हुआ, मैडम ने बहुत अच्छा बजट निकाला है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो कोरोना के जो अभी कंडीशन चल रहे उसमें से बहुत से लोगों के जॉब गए और जैसे हम लोग जैसे एम्प्लॉयज है उनका तो हम लोग को आधा सैलरी मिल रहा है, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन थे। अभी क्या है कोरोना में अपना ऑनलाइन चालू हो गया, बच्चों का स्कूल ऑनलाइन, जैसे टैब लेना है या उनको मोबाइल देना है, लैपटॉप देना है, तो कहाँ से खरीदेंगे उन लोग? मोबाइल अभी थोड़े महंगे होंगे, महंगे हो गए, मतलब अभी सब लोगों को तो चाहिए कि घरों घरों में तो मोबाइल रहता ही है लेकिन लैपटॉप कहाँ से रहता है। बहुत सारे लोगों को मुश्किलें हो रही कि ऑनलाइन है अच्छा है, मतलब फॉरेन में ज़्यादातर ऐसे ऑनलाइन होते हैं, ठीक है ये नया है ऑनलाइन ले लिया अपने क्लास में, लेकिन क्लासेस कितने बच्चों को बहुत मतलब फ़र्क पड़ रहा है उससे, और फीस तो उन लोग ले रहे हैं, फीस में ना कटौती की ना आपने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कंसेशन दिया, जैसे कि आप बोले थे इलेक्ट्रिसिटी में देंगे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने कोरोना में बहुत फेस किया, लोगों के जॉब तो गए हैं। कोविड के बाद जिस तरह से लोगों ने जॉब लॉस की बात की या जॉब में कटौती की बात की या राहत की बात की, मिडिल क्लास के पास ऐसी कई सारी उम्मीदें थी, कुछ ज़रूर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, और अधिकांश चीज़ों पर सवाल है कि ऐलान तो पिछले बजट में भी कई सारी चीज़ों का किया गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं हो पाया है। तो मिडिल क्लास फिलहाल ये सारी चीज़ें या इस बजट को इस तरह से देख रहा है, अपनी अपनी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से उन्हें जिस तरह की उम्मीद थी, फिलहाल जितने लोगों से हमने बात की, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात की, उनकी उम्मीदें कुछ हद तक ज़रूर पूरी हुई हैं लेकिन जितनी उम्मीदें थी वो पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।
और देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश, वहां पे जो ग्रामीण समाज के लोग कैसे ले रहे हैं बजट को, बताएंगे हमारे सहयोगी अनुराग पाल। देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई घोषणाएं की हैं। ये भी कहा कि स्वामित्व योजना का अब देश भर में लागू से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ही इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बता चुके हैं, लेकिन देश के बड़े सूबे में से एक मध्य प्रदेश के किसानों के बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी। मध्य प्रदेश के रातीबड़ इलाके में जो यहाँ के कृषक हैं, मुख्यतः यहाँ पर गेहूँ, चना, मक्का या फिर थोड़ा लहसुन वगैरह भी होता है, तो यहाँ पूछते हैं। सर, आप अपना पहले नाम बता दीजिए और कितनी जोत में। क्षीर सागर शर्मा रातीबड़ से हूँ। अच्छा, मैं इस बजट से बहुत संतुष्ट हूँ। क्या क्या आप कितने एकड़ में खेती है? मेरी 3 एकड़ में खेती है गेहूँ की। लेकिन कई किसान ये कह रहे थे कि कर्ज माफी हो जाए या फिर और कुछ, जैसे मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, ऐसे तो कोई ऐलान हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है चूंकि बजट बढ़ा है इसलिए आप लोगों को बजट में किसी ना किसी रूप में किसानों को दिया गया है। किसानों को मतलब अभी ये ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन किसी ना किसी रूप में जो बजट बढ़ा है वो किसानों को दिया हुआ है। अच्छा। तो उससे हम संतुष्ट हैं। दादा, आप आपका नाम बता दें। बृंदावन शर्मा रातीबड़। अच्छा, आपका भी गेहूं ही है? हाँ, गेहूं, चना, मसूर। कितने एकड़ में होगा लगभग? डेढ़ डेढ़ दो दो एकड़, करीबन 5 एकड़ जमीन। 5 एकड़ जमीन। आपको भी लगता है कि ये जो बजट है किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा? बजट का यही एक तरीका है, देखो डायरेक्ट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं मिला जुड़ा के दे दिया, मगर दिया तो है कहीं ना कहीं। अच्छा। तो किसानों का हर तरफ से फायदा है। फायदा है बस यही अपन चाह रहे थे, वो अब लगभग गवर्नमेंट सोच रही है किसानों के हित में। आपको लगता है कि सरकार सोचेगी? रातीबड़ का ये दूसरा इलाका है, यहाँ जो किसान जुटे हैं इनकी दूसरी समस्या है कि मोटर और तमाम चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर इनसे कम से कम समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक चीज़ हुई है जिस पर बहुत ढिंढोरा पीट रही है सरकार की, कम से कम 15 लाख करोड़ रुपये का जो कृषि बजट था वो 16.5 लाख करोड़ का हो गया, तो लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख करोड़ का इजाफा किया है। पर इसके अलावा कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि और कोई ठोस बात नहीं हुई है, जैसे जो किसान नाराज़ हैं आपके साथी जो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है मोटा मोटी ठीक रहेगा बजट? नहीं, सरकार से ये अपेक्षा थी जो 16 करोड़ का इजाफा करा उन लोगों ने, पर ऐसा होना था, किसान पिछले 70 दिनों से मांग कर रहे हैं MSP को कानूनी जमा पे रहना, या मान लो किसान की तीनों कानून की मांगे जो भी उसमें संशोधन करना, एक संतोषजनक सरकार को जवाब देना था, देना चाहिए था कि आपको हम सरकारी MSP ये देंगे, इस पर MSP से नीचे अगर खरीदी होती है तो इसके लिए ये कानून है, व्यापारी का लाइसेंस निरस्त होगा, या जो भी एक किसान को, या आपको हम ट्रैक्टर ले रहा हो तो हम आपको 1 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं ट्रैक्टर में, क्या है ये? अब आपको समझ में नहीं है तो हमें क्या? मेरा नाम उधम सिंह राजपूत है। उधम सिंह जी, कितने एकड़ की खेती और मेरे पास छोटा सा किसानों साहब 5 एकड़ की किसानी है, अभी 500 फीट बोर करवाया था, मोटर फंस गई, उसी में लग गया 1 लाख रुपये, तो अब किसान तो वैसे परेशान है। आपका आपका शुभ नाम? मैं लीला किशन राजौरिया। लीला जी, कितने एकड़ की खेती आपकी? मेरी 2 एकड़ की खेती है। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो बजट है, चूंकि इतने दिनों से आंदोलन हो रहा था, तो एक समाधानकारी दिशा में बढ़ता या उस दिशा में कुछ बातें होती, आपको लगता है कुछ ऐसा कहा वित्त मंत्री जी ने? नहीं, बजट अलग विषय है और आंदोलन अलग विषय है। बजट ये साल का आता है और हर साल आता है और उसको बजट की दृष्टि से देखना चाहिए। आंदोलन अपनी जगह ठीक है, किसानों का वो अपना पर्सनल अपनी मांग है, किसानों का वो अपना अधिकार है। तो आपको लग रहा है कि जो है ठीक है? नहीं, जो बढ़ा के दिया है वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन और देना था, और अच्छा होना, कुछ कसर रह गई जी, और भी अच्छा होना था बजट। हाँ। ये तो हम तो सोचते थे कि किसानों के बहुत खुशी होगी, पर लेकिन इतने में और निराश तो हो रहा है। निराश हो? क्या आपका शुभ नाम? लक्ष्मी नारायण वर्मा जी बोल। जैसे देख रहे हैं एक पाइप आता है, सिंचाई के लिए पाइप आता है, उसको कलम पाइप बोलते हैं। मार्केट में एक नंबर कंपनी का पाइप टेक्सोमो ले लो, आप किसान का ले लो, 530 रुपये में। बात कर
ठीक है ना। और जब गवर्नमेंट वही पाइप सब्सिडी में दे रही है तो व्यापारी कितने का दे रहा है? 800 रुपए का, और वही पाइप मार्केट में 500 का ले लो। ये सरकार को भी नुकसान है, किसान को तो है ही, पर कोई चीज डाल के आप किसान के खाते में दो ना। ये आपके साथी कह रहे हैं कि बजट ठीक है, कुछ कह रहे हैं ठीक नहीं है, मुझे बात नहीं आती इनसे, आपको जो बात कर रहे हैं नहीं आती, चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर किसानों को अंदर गांव में देखा आपने, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। और यहाँ पर कुछ किसान कह रहे हैं कि ना काफ़ी है, कुछ और होना चाहिए था, सिर्फ आंकड़े बढ़ाने से बात बनती नहीं है। रातिबड़ से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उधर राज्य के कृषि मंत्री बजट से खुश हैं और अपनी पीठ तपतपा रहे हैं। जो इस बार का बजट है उसमें कृषि, जो कृषि क्षेत्र है उसको क्या मिला? मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बजट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट कार्ड ज़्यादा है और नए ऐलान कम, जो किसान चाहते हैं। नहीं, देखिए ये बजट गांव, गरीब, किसान और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। आप देखा, जैसे ही बजट निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की, बजट पेश किया, पूरे देश का शेयर मार्केट बढ़ गया, पूरे उसमें खुशी का माहौल बन गया है। इससे ये स्पष्ट लगता है कि ये बजट देश के हित में है, विकासोन्मुखी बजट है और किसान कृषि विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। किसी जो किसान कह रहे थे कि किसान सम्मान निधि बढ़ जाए, कर्ज माफी हो जाए, ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, पहली बार किसान सम्मान निधि मिली है, 1,03,000 करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं मध्य प्रदेश में हमने, 4,000 केंद्र में, पहले तो मिलते नहीं था। दूसरा, 16.5 लाख करोड़ किसानों को कर्ज मिलेगा सस्ते ब्याज पर, 0% ब्याज पर, है ना, जो पहले कांग्रेस के राज में 18% ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। इससे कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 1,00,000 करोड़ दिया है और उसको 3% ब्याज की छूट मिलेगी किसान को। अब किसान खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेगा। मैं किसान हूँ, सुनिए, पुरानी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक और मांग थी कि मनरेगा को भी कृषि से जोड़ दिया जाए, आप तो समझते हैं इन बातों को, खुद किसान रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें की, आपको नहीं लगता ये सब ऐलान होने चाहिए बतौर कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के? नहीं, देखिए, किसानों के हित में पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गांव की आबादी का मालिकाना हक दिया स्वामित्व योजना के तहत। इससे आजादी तो अब मिली है गांव को, 70% गांव के विकास के द्वार खुले हैं। गांव की तकदीर तो सिर्फ बदलेगी, किसान की, मजदूर की तकदीर तो सिर्फ बदलेगी। अब किसान का बेटा घाटे की खेती नहीं करेगा, वो लाभ की खेती करेगा और खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाएगा। और जो एमएसपी अपन करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MRP पे बेचने का अधिकार दिया है मोदी जी।